नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा, चीन पर कब होगी चर्चा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा कोरोना से मौत के लिए मुआवजा देने की पीछे घोषणा हटती सरकार नजर आ रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच समर्थकों को देखकर जय सियाराम के नारे का भी नारा लगाया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौसा में राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी, सीएम बनाने की मांग। तेलंगाना में घर में लगी भीषण आग, दो बच्चे समेत छह लोगों को जिंदा जलकर मौत हो गई, मरने वाली सभी एक ही परिवार के थे। राहुल की यात्रा को ठहराने से साफ इनकार, बता दें आपको। भारतीय नौसेना में शामिल होगा विध्वंसक युद्धपोत मरमुआव, हिंद महासागर में बढ़ेगी देश की ताकत। पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया, आपको बता दें दुनिया के कई देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने को उत्सुक हैं। अधीर का पीएम पर निशाना, 8 साल में एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए मोदी। कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, फिल्म KGF 2 के गाने मामले पर FIR पर लगाई रोक। हर घर से एक बेटा, एक बजरंग दल से हो, बता दें कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल बोले, चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका इन्हें पीटे ताकि देश के लिए वफादारी आ जाए। CGI ने बिजली चोरी की दोषी को रिहा किया, बोले कोई केस छोड़ा नहीं जाए, छोटा या बड़ा नहीं होता है। आंध्र प्रदेश में TDP YSR कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, पालनाडु में दोनों पार्टियों के वर्कर्स एक दूसरे पर पत्थर फेंके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, 2024 तक भारत में सड़क का बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। नोएडा के फार्म हाउसों पर गर्जेगा बुलडोजर, प्राधिकरण ने लगाया नोटिस, 2 दिन में होगी कार्रवाई, 1000 फार्म हाउस हैं अवैध। थूककर रोटी बनाने वाला निकला शोएब केस दर्ज, मेरठ में हिंदू संगठनों ने की गिरफ्तारी की मांग, रोटी सेकने का वायरल हुआ था वीडियो। मुस्लिम से हिंदू बनी लड़की को टुकड़े टुकड़े की धमकी, बरेली में शहनाज से सुमन बनने वाली लड़की ने मंदिर में अजय से की थी शादी। पठान फिल्म का होगा मथुरा में विरोध, अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया विरोध करने का ऐलान। LDA के 2 लिपिक समेत 22 पर मुकदमा, प्लॉट फर्जीवाड़ा में 5 और दर्ज हुई FIR, जांच शुरू।
सहारनपुर में हत्या के तीन दोषियों को उम्र कैद 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। साल 2013 में घर में बुलाकर की थी युवक की हत्या। गाजियाबाद में कुत्ते को कार से कुचलकर मार डाला। सोसाइटी में रोड पर खेल रहे थे दो पालतू कुत्ते, एक की हुई मौत। बस्ती सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, चार गंभीर रूप से घायल। नीलगाय को टक्कर मारते हुए ढाबे की दीवार से टकराकर पलटी कार। प्रयागराज में वकील ने खुद कराई थी अपनी हत्या। सहयोगी से कहा था मुझे मार दो मैं जिंदा हो जाऊंगा, तुमसे हरिद्वार में मिलूंगा। चौकी में घुसकर पुलिसवारों पर फायरिंग, 10 घंटे में दोनों बदमाशों की बरेली। पुलिस से मुठभेड़, फायरिंग में दोनों को लगी गोली। औरैया के खानपुर पीएससी में नहीं मिलती इमरजेंसी सुविधा। आवास न मिलने से बाहर से आते हैं चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। रिटायर्ड फौजी व बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर आरोप, बोले नौकरी दिलवाने के नाम पर लिए लाखों रुपए, अब धमकी दे रहे हैं। अलीगढ़ के नगर आरएसएस के कार्यवाहक कुमारी गोली, दुकान बंद करके घर जा रहे थे, ओवरटेक करके बोलोरो सवार बदमाशों ने रोका। भदोही में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, मजदूरी का काम करता था मृतक युवक, जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में नवीन सब्जी मंडी में लगा गंदगी का अंबार, आवारा जानवर से लोग परेशान है, आवारा पशुओं का आतंक। मेरठ में बड़े भाई से विवाद हुआ तो युवक ने मारी गोली, कनपट्टी से सटाकर मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी पर कार्यवाही, हनुमान सेवक पांडे का 3,75,000 ट्रैक्टर हुआ जब्त, डीएम के आदेश पर हुई कार्यवाही। कानपुर देहात में सीडीओ ने सरकारी स्कूलों का किया निरीक्षण, रंगाई पुताई पेंटिंग का लिया जायजा। प्रयागराज में मिला लापता युवक का शव, जंक्शन पर हाईटेंशन तार से झुलसा, पुलिस बोली अस्पताल से भाग गया था मरीज। बागपत में लापता बच्चे का नहीं लगा कोई सुराग, 40 घंटे बाद भी पुलिस नहीं लगा पाई पता। मथुरा में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला, बचाने आए 10 साल के बेटे पर भी किया हमला, पति पत्नी में रहती थी अनबन। हापुड़ में दो अंतर्राज्यीय शस्त्र तस्कर गिरफ्तार, 3 पिस्टल बरामद, उत्तराखंड से खरीदकर अन्य राज्यों में करते थे सप्लाई। रायबरेली में मजदूरी मांगने पर शिक्षक ने मजदूर को पीटा, पीड़ित मजदूर ने की कार्रवाई की मांग, बेमार्मी के लोग हुए सक्रिय। मैनपुरी एसपी ने 14 थानों के 200 सिपाहियों का बदला, बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर कार्यक्षेत्रों में क्या बदलाव। अंबेडकर नगर में आधी रात सड़क पर उतरे डीएम, जरूरतमंदों को बांटे कंबल, जगह जगह अलाव और रैन बसेरा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अलीगढ़ में अनियंत्रित कार ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत, पुलिस ने कार चालक और कार को हिरासत में लिया।
औरैया में जिला बेसिक सुरक्षा अधिकारी को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते धर दबोचा। रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी बीएस को पहुंचा सलाखों के पीछे। हमीरपुर में शादी में दिया गया अनोखा दहेज। शादी में दूल्हे को दहेज में मिला बुलडोजर। शादी में दिया गया बुलडोजर बना चर्चा का विषय। अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानपुर आगमन से पहले सियासत गर्म। इरफान सोलंकी के समर्थन में अमिताभ वाजपेयी ने जारी किया पोस्टर। उसे कह दीजिए वो बालीन होता। डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन का कारावास। अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने सुनाई सजा। उत्तराखंड में प्रैक्टिस कर रहे थे खिलाड़ी, अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जॉगिंग और टी स्टॉल पर पी चाय। खून खराबे तक पहुंचा इंस्टाग्राम पर हुआ झगड़ा। 5 दोस्तों के बीच सड़क पर चले चाकू, अब सलाखों के पीछे आरोपी। उत्तराखंड में नशे में धुत मुंबई की महिला हुई आउट ऑफ कंट्रोल। सरेआम युवक के कपड़े फाड़े, राहगीरों को दी गालियां। खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, मांगलिक बताकर शादी से इनकार कर दिया। उत्तराखंड में वीरांगनाओं को सीएम ने दी सौगात। रोडवेज बस में नहीं देना होगा किराया। अब उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें भाई दबोचे दोनों पुलिस ने किया घोषित। उत्तराखंड में सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, मिलेगा सबको रोजगार। उत्तराखंड के किसानों को कृषि मंत्री जोशी ने गणेश जोशी को दी सौगात, अब दुर्घटना पर मिलेगा अधिक मुआवजा। ग्राम सभा भूमि पर से अवैध कब्जा नहीं हटवा पाए डीएम। हाईकोर्ट ने डीएम एसडीएम समेत कई को भेजा नोटिस। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने दाखिल की 500 पन्नों की चार्जशीट, बनाए 100 गवाह। अब नार्को टेस्ट पर टिकी निगाहें। शान समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने डिग्री मेडल से नवाजा खिल उठे मेधावी छात्र। उत्तराखंड में तकनीकी वीवी के रजिस्टर कार्यालय में लगी आग। अहम दस्तावेजों के जलने से बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के छिनका में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरी चट्टान, मलबा आने से 4 घंटे बंद रहा रास्ता, वाहनों की लगी कतार। उत्तराखंड हाईकोर्ट पर सरकार को आदेश, एसिड अटैक पीड़िता को दे 35 लाख रुपए मुआवजा, सर्जरी का खर्चा भी उठाएं। उत्तराखंड प्रशासनिक अफसरों की कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल सीएम धामी, कहा ग्राम चौपालों में लगी भाग ले आईएएस। टेक्सास में 5.4 तीव्रता का भूकंप, लोगों ने मजाक बनाया, यह इतिहास का चौथा बड़ा भूकंप, लेकिन झटके महसूस नहीं हुए। रूस ने यूक्रेन पर एक दिन में 70 मिसाइलें दागी, 297 दिनों में यह सबसे बड़ा हमला। 3 शहर तबाह, पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट।
नासा ने पृथ्वी के पानी का परीक्षण करने वाला पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। हर रोज भेजेगा 1000 GB डेटा। ट्विटर ने भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू का अकाउंट किया सस्पेंड। पहले पत्रकारों को किया था बाहर। युगांडा में दरियाई घोड़े के मुंह से जिंदा बाहर आया 2 साल का बच्चा। पहले ही निगला फिर उगला, बच्चा निगलने की पहली घटना। सुपर हीरो और एस्ट्रोनॉट की कॉस्ट्यूम में दिखे ट्रंप। पैसे कमाने के लिए पूर्व यूएस राष्ट्रपति ने खुद के डिजिटल कार्ड्स रिलीज किए। मलेशिया में लैंडस्लाइड 16 लोगों की मौत। मरने वालों में 5 साल का बच्चा। मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश जारी। प्रिंस हैरी का आरोप, बोले किंग चार्ल्स ने कई बार झूठ बोला है। मीटिंग में सबके सामने चिल्लाए प्रिंस विलियम, मजबूरी में छोड़ना पड़ा शाही परिवार। रूसी हमले से यूक्रेन में छाया अंधेरा। राजधानी क्यों में भी दागी गई मिसाइलें। कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे पाकिस्तान ने मांगी मदद। अगले साल तक चाहिए 4 लाख करोड़। विदेश मंत्री भुट्टो ने यूएन चीफ से की मुलाकात। सीएनजी के दाम फिर बढ़े। दिल्ली में 79.56 रुपए किलो पर पहुंची। इस साल 25 रुपए से ज्यादा महंगी हुई। घाटे में ट्विटर किचन का सामान नीलाम। ट्विटर के दफ्तरों का किराया नहीं दे पा रहे नए मालिक मस्क। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ी। 3 दिन के टेस्ला के 22 मिलियन शेयर बेचे। 1 साल में 3.3 लाख करोड़ के शेयर सेल किए। ट्वेंटी23 में कार खरीदना होगा महंगा। मारुति टाटा के फॉक्स वैगन और होंडा भी बढ़ाएंगी कारों के दाम। जनवरी से लागू होंगी नई कीमतें। रिलायंस रिटेल ने एमएफसीजी मार्केट में रखा बड़ा कदम। नया ब्रांड इंडिपेंडेंस गुजरात में किया लॉन्च। गोयंका ने एफबीए, ईएसी और बीसीसीआई के साथ साइन किए एमओयू। एसएमएमए के डेवलपमेंट फोरम को रूस ले जाने वाले पहले व्यक्ति। कंप्यूटर में खराबी के नाम पर अमेरिका में धोखाधड़ी। सीबीआई और दिल्ली पुलिस की मदद से एफबीआई ने किया भंडाफोड़। नंबी नारायणन केस में 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत पर सीबीआई को नोटिस। केरल हाईकोर्ट का फैसला। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 5वें सप्ताह में इजाफा। 571.16 अरब डॉलर हुआ स्वर्ण भंडार का घटा। पीवीआर लिमिटेड के चेयरमैन अजय बिजली को उम्मीद, चालू वित्त वर्ष में पूरा होगा इनॉक्स के साथ विलय। वर्ल्ड कप में हार के बाद टीमों में बदलेंगे कोच। ब्राजील तय नहीं कर पा रहा है कि कोच देशी या विदेशी। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान, बोले केएल राहुल की राह का रोड़ा बन सकते शुभमन गिल। पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पीएसएल को बताया है आईपीएल से बड़ा, बोले दुनिया का सबसे मुश्किल लीग है।
बांग्लादेश के खिलाफ आग उगलता है चेतेश्वर पुजारा का बल्ला, हर पारी में पार किया 50 का आंकड़ा। पहले टेस्ट शतक के बाद शुभमन गिल का बयान, कहा यह पारी कई मायने में मेरे लिए बेहद खास। साउथ अफ्रीका की पहली पारी पर 152 पर सिमटी सात बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्टार्क लाइन को 3-3 विकेट। शतक के बावजूद टीम से बाहर होंगे शुभमन गिल, दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। मैच T20 का सबसे छोटा स्कोर, बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स 15 रन पर सिमटी 5 बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके। बोनोका भी रच सकता है इतिहास, पिछले बार की फाइनलिस्ट क्रोएशिया से ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे रोहित, अंगूठे की चोट से उबरे जल्द टीम के साथ जुड़ेंगे। मिशन मजनू का टीजर रिलीज हुआ, रॉ एजेंट बनकर देश की हिफाजत करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, 20 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। अक्षय को रोता देख दुखी हुए सलमान खान, थ्रोबैक वीडियो शेयर करते हुए लिखा भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है अक्की। विदेशी गिरोह के पास मिला ऐश्वर्या राय का जाली पासपोर्ट, पुलिस ने 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, दवा कंपनी के नाम पर की लाखों की ठगी। गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ में पठान पर बवाल, शिवसेना नेता बोले भगवा जैसे पवित्र रंग का अपमान हुआ है। डेटिंग की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर नजर आए आदित्य अनन्या, फीफा का सेमीफाइनल देखने के बाद मुंबई वापस लौटे। उर्वशी ने मेरा दिल ये पुकारे आजा पर बनाया वीडियो, यूजर्स ने किया ट्रोल, कहा पंत अभी बांग्लादेश में है। रकुलप्रीत को ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन, ईडी ने 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सोनम कपूर ने एयरपोर्ट लुक से किया इम्प्रेस, स्टाइलिश लुक में दिखी नोरा फतेही। शाहरुख की पठान को गुजरात में बैन करने की मांग, वीएचपी के और बजरंग दल ने कहा कुछ बुरा हुआ तो थिएटर मालिक होंगे जिम्मेदार। पठान मूवी के हक में उतरी दिव्या दत्ता, एक्ट्रेस बोली लोग बॉलीवुड को सपोर्ट तो करें लेकिन हर चीज का मुद्दा बनाना सही बात नहीं। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सियासी दिग्गजों से